अगर आपने ये वीडियो YouTube पर सर्च किया, इसका मतलब ये है कि आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं हो और जो ट्रेडिंग में मुकाम हासिल करना चाहते हो वो अचीव करने में अभी तक आप नाकाम हुए हो। और उसके पीछे का जो लॉजिक है वो है आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। मैं आपके लिए एक बुक समराइजेशन लेके आया हूँ, द डेली ट्रेडिंग कोच। इस बुक समराइजेशन को मैं हिंदी में करने वाला हूँ। ये आपकी साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगी। अगर आपने जो ऑथर बोलेंगे अगर आपने वैसे वैसे किया एज ए कोच, तो यहाँ पे आपकी जो साइकोलॉजी है वो 100% इम्प्रूव होने वाली है। देखिए, जैसे बुक का नाम है द डेली ट्रेडिंग कोच, इसका मतलब आपकी जो इंट्राडे की ट्रेडिंग साइकोलॉजी उसको बेहतर किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो चैप्टर वन है चेंज द प्रोसेस एंड द प्रैक्टिस। ठीक है, तो हम चैप्टर वाइज ये हमको गाइड करेंगे कैसे आपको जो आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे आप उसको बेहतर कर सकते हैं। तो चेंज से हम स्टार्ट करेंगे और चेंज का पहला लेसन है ड्रॉ ऑन इमोशन टू बिकम ए चेंज एजेंट। देखिए, अगर यहाँ पे देखिए अगर आप एज ए ट्रेडर, क्या होता है कि हम एक ही गलती को, सेम गलती को बार 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 रिपीट करते रहते हैं। ठीक है ना, ये कड़वा सच है, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि वही गलती हम फिर कर देंगे, फिर सोचेंगे नहीं करेंगे, 50 जगह लिख देंगे और अगले दिन वही सेम गलती फिर कर देंगे, फिर कुछ दिन चलेगा फिर उस सेम गलती को फिर कर देंगे। तो देखो, हमको बदलाव से शुरुआत करनी पड़ेगी, मतलब चेंज से शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आप देखो चेंज की प्रोसेस आप स्टार्ट कर सकते हो कि भाई आज से मैं ये करूँगा, ये मेरा चेंज है कि मैं ट्रेडिंग में ये रूल फॉलो करूँगा। आप उस चेंज को स्टार्ट तो कर दोगे बट उस चेंज को सस्टेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और उसको हैबिट में लाना और ज़्यादा मुश्किल है। देखो, अगर आपने जो चेंज आपने शुरुआत किया, जिस चेंज की अगर आपने उसको हैबिट में डाल दिया तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो उस चेंज को आप एक इमोशन से कनेक्ट कर दो। ठीक है, आप जो अभी आप चेंज कर रहे हो उससे आपको एक इमोशन कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आप एक कहानी बताते हैं खुद की कि ये सन 2000 में क्या हुआ था, इनको बहुत ज़्यादा इनका वेट बढ़ गया था हमारे ऑथर का, और इनको क्या हो गया, टाइप 2 डायबिटिक हो गई। डॉक्टर ने बोल दिया भाई कि आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आपकी जो खाने की आदतें बहुत ज़्यादा ख़राब है और आप उसको मतलब जो डाइटरी प्लान है फॉलो नहीं कर रहे, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपकी डेथ भी हो सकती है। जब डॉक्टर ने उनको बोला कि आपको आपकी डेथ हो सकती है, तब यहाँ पे क्या हुआ, इनका एक इमोशनल पार्ट जाग गया कि अगर मैं मर गया तो मेरे बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। ठीक है, तो वहाँ से एक इनका एक इमोशन जागा कि भाई मुझे चेंज करना ही पड़ेगा अपने आप को, अपनी खाने की आदतों को चेंज करना ही पड़ेगा, वरना क्या होगा, मेरे बाद मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। ठीक है, तो ये जो एक इमोशन जागा चेंज के लिए, तो इन्होंने फिर वर्कआउट स्टार्ट किया, अपने खाने की आदतों में बदलाव किए, मुझे अच्छा पौष्टिक खाना खाना है। तो धीरे धीरे इनका वजन भी कम हो गया और जो डायबिटिक इनकी प्रॉब्लम थी वो भी लूज हो गई। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो भी आप चेंज स्टार्ट करोगे उसमें आपको यहाँ पे एक इमोशन कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप शुरुआत कहाँ से करेंगे। मैं क्या बता रहा हूँ, ऑथर ही बता रहे हैं। तो ऑथर बताते हैं कि यहाँ पे आपका जो, जब आप चेंज को स्टार्ट करते हो, चेंज प्रोसेस, तो जो कैटलिस्ट बनता वो बनता है इमोशन। ठीक है, यहाँ पे इतना आसान नहीं होता। देखो, बहुत सारे चेंज आप कर सकते हो। देखो, अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है कि भाई मुझे पोजीशन साइजिंग अच्छी रखनी है, ये बहुत सारे रूल बना सकते हो कि भाई मुझे ये करना, वो सब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है चेंज से, जो सबसे पहला स्टेप है वो है, जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे 9:15 से पहले, मतलब 9:15 हमारा मार्केट ओपन हो जाता है, उससे पहले आपको एक गोल लिखना है दिन का, जिसको बोलते हैं हम गोल ऑफ द डे, वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। अब दोस्तों, ये गोल मैं आपको बता दूँ, ये वो गोल नहीं है कि सोचो कि भाई मैं दिन के 10,000 रुपये कमाऊँगा, ये मेरा गोल है। नहीं, आपका ये गोल नहीं होना चाहिए। देखो, इस गोल जो ये हमारे ऑथर बता रहे, आप इसका पैसे से कोई लिंक नहीं है। एक बेटर ट्रेडर आपको बनना, जो ऑथर बता रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए कि आप, मेरा गोल है मैं आपके 10,000 कमाऊंगा, 20,000 कमाऊंगा, उस गोल का कोई लिंक नहीं है कि भाई पैसे से। ठीक है, तो गोल क्या होगा फिर, गोल ये होगा कि जो भी आप प्राइस एक्शन फॉलो करते हो, ट्रैप ट्रेडिंग करते हो, ओपन इंटरेस्ट पे ट्रेड करते हो, कुछ भी आप करते हो, कुछ भी रूल आप अपना फॉलो करते हो, वो आपको लिखना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, मान के चलो आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर हो। ठीक है भाई, कि मार्केट जब किसी रेंज को ब्रेक करता है तब मैं ऑप्शन बाइंग करता हूं। ठीक है, तो आप लिख लो पहले मार्केट ओपन होने से पहले कि भाई आज का मेरा गोल ये है, जब मार्केट ब्रेकआउट कर देगा और इस सर्टेन लेवल तक रिटेस्ट नहीं करेगा तब तक मैं ट्रेड नहीं लूंगा, ये मेरा रूल हो गया दिन का। ठीक है, ऐसे रूल आप बना सकते हो कि भाई आज का रूल मेरा ये है कि भाई मैं इतनी पोजिशन साइजिंग से ट्रेड करूँगा।
ठीक है, इतना कैपिटल लगा के मैं ट्रेड करूंगा, ये मेरा रूल हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको रूल बनाने पड़ेंगे जिसको हम रूल ऑफ द डे बोलेंगे, मतलब एक दिन का रूल बस, ठीक है ना, केवल उस दिन का। तो आपको जो भी आप रूल बना रहे हो उसको पैसे से लिंक नहीं करना, तो ये चेंज का पहला स्टेप है। और अब देखिए यहाँ पे आप, अगर आप पता भी नहीं चलेगा कि आपने जो चेंज स्टार्ट किया उस आपको आपने उसको किससे कनेक्ट कर दिया, एक इमोशन से कनेक्ट कर दिया। आप इसको आप फील करके देखना, ऑटो में आपको पता भी नहीं चला आपने रूल बनाया तो वो आपका एक इमोशन हो गया और चेंज भी हो गया। ठीक है, तो आपने जो आपने चेंज स्टार्ट किया है वो आपका इमोशन से कनेक्ट हो गया, तो यही ऑथर समझाना चाह रहे हैं। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया चेंज का, यहाँ पे आपको चेंज को और अपने इमोशन से कनेक्ट करना है और मार्केट ओपन होने से पहले आपको अपना एक रूल बनाना है। ठीक है, देखिए जो चेंज, जब भी आप कोई भी चेंज प्रोसेस स्टार्ट करते हो, कि जो भी आप मतलब जो डेली रूटीन फॉलो करते आ रहे हो उसमें चेंज करना है, क्योंकि अब आप कामयाब नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो जो एनिमी ऑफ चेंज है वो है रिलैप्स। अब ये रिलैप्स क्या है, मतलब मान के चलो मैंने आज ये रूल बनाया कि भाई मैं आज ब्रेकआउट होगा तभी मैं ट्रेड करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। जब ब्रेकआउट होगा उसके बाद जब रीटेस्ट होगा तभी मैं एंट्री लूंगा, मान के चलो मेरा ये रूल है। अब क्या होगा, मान के चलो मैंने 10 दिन ये रूल फॉलो किया, बट उसके बाद क्या हुआ, ये रूल 10 दिन फॉलो करने के बाद भाई मैंने अपना रूल तोड़ दिया। तो देखिए जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं आ गए, तो ये एक बहुत बड़ा एनिमी है चेंज का। ठीक है, बट अगर आपने ये स्टार्ट कर दिया तो बिल्कुल आप वहाँ नहीं आने चाहिए जहाँ से आपने स्टार्ट किया, ये आपको गांठ बांधनी पड़ेगी। ठीक, तो गाइज नेक्स्ट टॉपिक है मेक फ्रेंड्स विद योर वीकनेस। देखिए मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ जो आपके साथ कई बार हुआ होगा। यहाँ पे कई बार ऐसा आपने किया होगा कि आपने पूरे दिन भर ट्रेड किया और आप एक पूरे दिन भर एक अच्छे खासे लॉस में रहे, जो ट्रेड ली वही वहाँ पे आप फेल हुए। ठीक है, और मार्केट बंद होते होते ओवर ट्रेडिंग करते कराते आपने क्या किया, वो लॉस रिकवर कर लिया। ठीक है, आप पूरा दिन जो वो पूरा ट्रेडिंग दिन है उसे आप नो प्रॉफिट या कॉस्ट टू कॉस्ट में आप उसे यहाँ पर बंद करते हो। ठीक है, क्या होगा, आप फिर नेक्स्ट दिन मार्केट ओपन होता है। ठीक है, और जो आपके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है आपको वो पता नहीं लगेगी, पर एक फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर जगह बना लेगी। वो फ्रस्ट्रेशन जो कल के लॉस वाली है वो आपके अंदर कहीं ना कहीं दबी रहेगी। जब आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में बैठोगे तब क्या होगा, आप कल से भी बड़ा लॉस करके जाओगे। कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, आप सोचोगे मैं एक अच्छा ट्रेडर हूँ, जब मुझे एक बड़ा लॉस हो जाता है तो मुझे एक ब्रेक लेना है। ठीक है, 2-3 दिन का ब्रेक के बाद फिर ट्रेड करूँगा तो मेरे का जो लॉस का जो माइंडसेट है वो हट जाएगा। फिर आप 3-4 दिन बाद फिर आते हो और उससे भी बड़ा लॉस करते हो। ये आपके साथ मेरे साथ कई बार हुआ होगा 100%। ठीक है, तो जो हमारे ऑथर कहते हैं कि देखिए यहाँ पे जो आपकी वीकनेस है उससे हुआ गया, जिस दिन पहले दिन आप ट्रेड कर रहे थे और अच्छे खासे लॉस में आप थे और रिकवर करके गए, आपने आपकी जो खामियाँ थी, जो शॉर्ट कमिंग थी, जो वीकनेस थी उस पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, जो लूजिंग साइड थी उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो आपका दिन था वो पॉजिटिव या कॉस्ट टू कॉस्ट में बंद हुआ, क्योंकि आपने सारा लॉस रिकवर कर लिया। ठीक है, बट उसका खामियाजा आपने अगले दिन भुगता और उससे अगले दिन भी भुगता। ठीक है, तो इसलिए ऑथर बोलते हैं कि जिस दिन आपको लॉस हो रहा है, देखिए जिस दिन आप प्रॉफिट कर रहे हैं जो आपकी अच्छाइयाँ आप उनको हटा दो, उन पर ध्यान मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो आपकी बुराइयाँ हैं आप उनको मत छोड़िए। ठीक है, आपको यहाँ पर जो भी आप कमियाँ कर रहे हैं आपको वो नोट करनी है। तो इन्होंने एक तरीका बताया कि अगर आपके साथ ऐसा होता है, आप जो आपकी लूजिंग ट्रेड्स हैं, जो लूजिंग साइड्स हैं, आपको उनको छोड़ना नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पर उनका जर्नल बनाना है। तो जर्नल बनाने का इन्होंने एक तरीका बताया, आप 3 खाने बनाइए, 3 कॉलम बनाइए। ठीक है, और जिस दिन भी आपको लॉस हुआ है, ठीक है, आप अब 3 कॉलम बनाइए। पहले कॉलम में लिखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ लूजिंग ट्रेड, मतलब जो आपकी लूजिंग ट्रेड थी उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, कि पुट बाई की थी, कॉल बाई की थी, कॉल सेल की थी, पुट सेल की थी, मतलब वॉट एवर। सेकेंड कॉलम में आपको लिखना है कि आपको यहाँ पर वो लॉस क्यों हुआ, मतलब क्या कमी रही इस वजह से आपको लॉस हुआ, मतलब जो भी आपकी कमी थी वो आपको सेकंड कॉलम में लिखनी है। थर्ड जो कॉलम होगा उसमें आपको ये लिखना है कि आपने उस लूजिंग ट्रेड से क्या सीखा। ठीक है, आपकी जो लर्निंग थी उस लूजिंग ट्रेड से वो आपको तीसरे कॉलम में लिखनी है। उससे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जो भी आपकी लूजिंग साइड होगी, जो आपकी वीकनेस होगी, वो आपको दिन पे दिन पता लगती चली जाएगी। मतलब जो लॉन्ग टर्म, छोटे टर्म की मैं बात नहीं कर रहा, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा, बट जो लॉन्ग टर्म में आपको वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी, क्योंकि आपको पता लगता चला जाएगा कि ये गलती थी और यहाँ पे मैंने ये इससे सीखा, और शायद आप फ्यूचर में आप उसको रिपीट नहीं करोगे। यहाँ पर एक तरीका और बताते हैं, अगर आप एक ऐसा बड़ा लॉस लेते हो या आप जो भी आपकी बेकार ट्रेड है वो आप
आपने ली और आपकी जो गलतियाँ थी, आप क्या कीजिए, कोई भी एप्लीकेशन, बहुत सारी एप्लीकेशन आपको मिलेंगे ऐप स्टोर पे वॉइस रिकॉर्डर वाली, जिसमें आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आप लीजिए, जो भी आपकी लॉस हुआ है, जो भी ट्रेड में आपको लॉस हुआ है, आप उसको अपने वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लीजिए, मतलब भाई बोल के आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, और दिन में 2-3 बार सुनिए। जब भी आपको फ्री टाइम मिले आप उसको अपनी वॉइस को सुन लीजिए कि भाई ऐसे ऐसे मेरे को लॉस हुई है, बार बार 3-4 बार आप सुनिए, तो आपके दिमाग में वो जहन में वो चीज़ें रहेंगी कि हाँ मुझे लॉस हुआ था, इस कारण मुझे लॉस हुआ था, तो वो एक अच्छा माइंडसेट आपका तैयार होगा। तो टॉपिक जो हमने अभी पढ़ा, मेक फ्रेंड्स विद योर वीकनेस, इसका मतलब ये है कि जो आपकी खामियां हैं वो आपको पता होनी चाहिए, आपकी उनसे दोस्ती